दसम खंड अन्न की अपेक्षा जल का महत्व, जल ही अन्न की अपेक्षा उत्कृष्ट है, इससे सब सुवृष्टि, इससे जब सुवृष्टि नहीं होती तो प्राण इसीलिए दुखी हो जाते हैं कि अन्न थोड़ा होगा, और जब सुवृष्टि होती है तो वह सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो जाते हैं। ये जो पृथ्वी है मूर्तिमान जल ही है, तथा जो अंतरिक्ष, जो दोलोक, जो पर्वत, जो देव मनुष्य, जो पशु और पक्षी, तथा जो तृण वनस्पति स्वापद और कीट पतंग पिपली पर्यंत प्राणी है, वे भी मूर्तिमान जल ही है। अतः तुम जल की उपासना करो। अन्न का कारण होने से जल ही अन्न की अपेक्षा उत्कृष्ट है, क्योंकि ऐसा है इसलिए जिस समय सुवृष्टि अन्न के लिए हितावह सुंदर वृष्टि होती, सुंदर वृष्टि नहीं होती, उस समय प्राण व्यथित दुखी होते हैं, किसीलिए दुखी होते हैं यह श्रुति बतलाती है। इस वर्ष हमारे लिए थोड़ा अन्न होगा इसीलिए, और फिर जिस समय सुवृष्टि होती है उस समय प्राणी अर्थात प्राणी सुखी हर्षित होते हैं कि इस बार बहुत सा यानी खूब अन्न होगा, क्योंकि मूर्त अन्न जल से उत्पन्न होता है, इसलिए यह मूर्त यथार्थ मूर्तिमान वेद के आकार में परिणित हो जाने के कारण जो मूर्तिमती है वह ये पृथ्वी और अंतरिक्ष इत्यादि मूर्तिमान जली है। अतः तुम जल की उपासना करो। वह जो जल की ये ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और तृप्तिमान होता है। जहाँ तक जल की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है, जो कि जल की ये ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। नारद भगवान, क्या जल से भी श्रेष्ठ कुछ है? सनत कुमार जी कहते हैं जल से श्रेष्ठ भी है ही। नारद जी कहते हैं भगवान मुझे उसी का उपदेश करें। इस उपासना का फल वह जो कि ब्रह्म जल ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है संपूर्ण कामना को काम्य वस्तु को यथार्थ मूर्तिमान विषयों को प्राप्त कर लेता है, तथा तृप्ति भी जल जनित होने के कारण जल की उपासना करने से वह तृप्तमान होता है, शेष सब पूर्ववत है। इति छंदोपनिषद सप्तम अध्याय दसम खंड भाष्यम संपूर्णम। एकादश खंड जल की अपेक्षा तेज की प्रधानता। तेज ही जल की अपेक्षा उत्कृष्ट है। वह यह तेज जिस समय वायु को निश्चल कर आकाश को सब ओर से तृप्त करता है उस समय लोग कहते हैं गर्मी हो रही है, बड़ा ताप है, वर्षा होगी। इस प्रकार तेज ही पहले अपने को अद्भुत हुआ दिखला कर फिर जल की उत्पत्ति करता है। वह यह तेज ही वह वर्षा का हेतु है। जब ऊर्ध्वगामी और त्रिगामी विद्युत के सहित गड़गड़ाहट के शब्द फैल जाते हैं तब उससे प्रभावित होकर लोग कहते हैं बिजली चमकती है, बादल गरजता है, वर्षा होगी। इस प्रकार तेज ही पहले अपने को प्रदर्शित कर फिर जल को उत्पन्न करता है। अतः तेज ही उपासना, तेज की उपासना करो। तेज ही जल की अपेक्षा उत्कृष्टतर है, क्योंकि तेज जल का कारण है। वह जल का कारण किस प्रकार है ये बताते हैं, क्योंकि तेज जल का कारण है इसलिए वह ये तेज जिस समय वायु को आग्रोहित आश्रित कर यथार्थ अपने द्वारा वायु को निश्चल कर आकाश को अभितप्त करता है, आकाश को सब ओर से व्याप्त करके संतप्त करता है उस समय लौकिक पुरुष कहते हैं जगत सामान्य रूप से संतप्त हो रहा है, देहों में अत्यंत ताप है, अतः वर्षा होगी। कारण को अभ्युदित हुआ देखने वाले को ऐसी बुद्धि होना कि कार्य होगा लोक में प्रसिद्धि है। इस प्रकार तेज ही पहले अपने को उद्भुत हुआ दिखलाकर फिर उसके पश्चात जल उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार जल का सस्ता होने के कारण जल की अपेक्षा तेज उत्कृष्टतर है। इसके सिवा दूसरे प्रकार से भी तेज ही बिजली के रूप में वर्षा का हेतु होता है। किस प्रकार ऊर्ध्वगामी और त्रिगामिनी बिजलियों के सहित आहाद
गड़गड़ाहट के शब्द फैल जाते हैं। अतः ऐसा देखकर लौकिक पुरुष कहते हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजता है, वर्षा होगी इत्यादि वाक्य का अर्थ ऊपर कहा जा चुका है। अतः तुम तेज की उपासना करो, वहां जो कि तेज की ये ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, वह तेजस्वी होकर तेज संपन्न प्रकाशमान और तेजो तमोहीन लोकों को प्राप्त करता है। जहां तक तेज की गति है वहां तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि तेज की ये ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। नारद भगवान क्या तेज से भी बढ़कर कुछ है? सनत कुमार जी तेज से बढ़कर भी है। नारद भगवान मुझे उसी का उपदेश करे, उस तेज की उपासना का फल वह निश्चय तेजस्वी हो जाता है, तथा जो तेज संपन्न ही लोक है उन पासवान मतलब प्रकाशवान और अपहत मस्तक पाहा मतलब रात्रि आदि और आध्यात्मिक ना अज्ञान आदि ऐसे अंधकारों से रहित लोगों को प्राप्त कर लेता है। से सबका अर्थ सरल है। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याय एकादश खंड भाष्यम संपूर्णम। द्वादश खंड तेज से आकाश की प्रधानता। आकाश ही तेज से बढ़कर है। आकाश में ही सूर्य चंद्र ये दोनों तथा विद्युत नक्षत्र और अग्नि स्थित है। आकाश के द्वारा ही एक दूसरे को पुकारते हैं, आकाश से ही सुनते हैं, आकाश से ही प्रतीक श्रवण करते हैं, आकाश में ही रमण करते हैं, आकाश में ही रमण नहीं करते, आकाश में ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं और आकाश की ही और ही सब जीव एवं अंकुरादि बढ़ते हैं। तुम आकाश की उपासना करो। आकाश ही तेज से बढ़कर है, क्योंकि आकाश वायु सहित तेज का कारण है। वायु मार्ग्रह ऐसा कहकर वायु का तेज के साथ वर्णन किया जा चुका है, इसलिए यहाँ तेज से अलग करना उसका पृथक उल्लेख नहीं किया गया। लोक में कार्य की अपेक्षा कारण ही उत्कृष्ट देखा गया है। जिस प्रकार की घटादि की अपेक्षा मृतिका, इस प्रकार आकाश वायु सहित तेज का कारण है, इसलिए उससे बड़ा है। किस प्रकार बड़ा है? आकाश में ही तेजस्वरूप सूर्य और चंद्रमा ये दोनों है, तथा आकाश के भीतर ही तेजोमय विद्युत नक्षत्र और अग्नि है। जिसके भीतर होता है वह छोटा होता है और दूसरा उससे बड़ा होता है। इसके सिवा आकाश से ही एक व्यक्ति दूसरे को पुकारता है। किसी के द्वारा पुकारे जाने पर आकाश से ही दूसरा पुरुष श्रवण करता है, तथा दूसरे के कहे हुए शब्द को आकाश के द्वारा ही अन्य पुरुष श्रवण करता है। सब लोग आकाश में ही एक दूसरे के साथ रमण क्रिया करते हैं, और स्त्री आदि का वियोग हो जाने पर आकाश में ही खेत का अनुभव करते हैं, रमण नहीं करते। आकाश में ही जीव उत्पन्न होता है, मृत पदार्थ में या अवरुद्ध मृत पदार्थ में या अवरुद्ध पदार्थ स्थान में नहीं, तथा आकाश को लक्ष्य करके ही अंकुरादि उत्पन्न होते हैं, विपरीत दिशा में नहीं। इसीलिए तुम आकाश की उपासना करो। वह जो कि आकाश की वह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, वह आकाशवान प्रकाशवान पीड़ा रहित और विस्तार वाले लोगों को प्राप्त करता है। जहाँ तक आकाश की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि आकाश की ये ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। नारद भगवान क्या आकाश से बढ़कर भी कुछ है? सनत कुमार जी ने कहा, आकाश से बढ़कर भी है ही। नारद भगवान मुझे उसी का उपदेश करे, इसका फल सुनो। वह विस्तार व विद्वान आकाशवान यानी विस्तार युक्त लोगों को तथा प्रकाशवान, क्योंकि प्रकाश और आकाश का नित्य संबंध है, अतः प्रकाश युक्त लोगों को असंबाध मतलब संबंध संबाधन का नाम संबाध और संबाध परस्पर की क्रीड़ा को कहते हैं। उससे रहित असंबाध और उरुगायवान विस्तीर्ण गति वाले अर्थात विस्तृत प्रचार वाले लोगों को प्राप्त होता है। यावदाकाश्य आदि वाक्य का अर्थ पहले कहे हुए के समान है। इति छंदोपनिषद प्रथम सप्तम अध्याय द्वादश खंड वाष्यम संपूर्णम। त्रयोदश खंड आकाश की अपेक्षा स्मरण का महत्व। स्मरण स्वर मतलब स्मरण ही आकाश से बढ़कर है। इससे यद्यपि बहुत से लोग
एक स्थान पर बैठे हो तो अभी स्मरण न करने पर वे न कुछ सुन सकते हैं और न मनन कर सकते हैं और न जान ही सकते हैं। जिस समय वे स्मरण करते हैं उसी समय सुन सकते हैं, उसी समय मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं। स्मरण करने से ही पुरुष पुत्रों को पहचानता है और स्मरण से ही पशु को। तुम स्मरण की उपासना करो। स्मर ही आकाश से बढ़कर है, स्मरण का नाम स्मर है। ये अंतकरण का धर्म है, वह आकाश की अपेक्षा बढ़कर है, ऐसा लिंग परिवर्तन करके समझना चाहिए। स्मरण करने वाले की स्मृति होने पर ही आकाश आदि सब सार्थक होते हैं, क्योंकि वे स्मृतिमान के ही भोग्य है। स्मृति के न होने पर तो विद्यमान वस्तु भी अविद्यमान ही है, क्योंकि उसकी सत्ता के कार्य का अभाव है। स्मृति का अभाव होने पर आकाशादि की सत्ता का ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसी से स्मरण की आकाश से उत्कृष्टता है, क्योंकि लोक में स्मृति की उत्कृष्टता देखी जाती है। इसलिए यद्यपि बहुत से लोग एक स्थान पर बैठे हो, वे एक दूसरे से भाषण करते हुए भी यदि स्मृति युक्त नहीं होते तो कोई शब्द स्मरण श्रवण नहीं कर सकते। इसी प्रकार मनन भी नहीं कर सकते। यदि वे मंतव्य विषय का स्मरण करते तो मनन कर सकते थे। अतः स्मृति का अभाव होने के कारण मनन भी नहीं कर सकते और न जान ही सकते हैं। जिस समय वे मंतव्य विज्ञातव्य अथवा श्रोतव्य विषय का स्मरण करते हैं तभी उसे सुन सकते, मनन कर सकते और जान सकते हैं। इसी प्रकार स्मरण करने से ही ये मेरे पुत्र है, इस प्रकार पुत्र को जानते हैं और स्मरण से ही पशुओं को। अतः उत्कृष्ट होने के कारण तुम स्मरण की उपासना करो। वह जो कि स्मरण ही यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहाँ तक स्मरण की गति है वहाँ तक स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि स्मर की यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है। नारद भगवान, क्या स्मर से भी कुछ श्रेष्ठ है? संत कुमार जी, स्मर से भी श्रेष्ठ है ही। नारद भगवान मेरे प्रति उसका वर्णन करे, शेष सबका अर्थ पूर्वोक से समान है। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याय त्रयोदश खंड भाष्यम संपूर्णम। चतुर्दश खंड स्मरण से आशा की महत्ता। आशा ही स्मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशा से दीप्त हुआ स्मरण ही मंत्रों का पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्रों और पशुओं की इच्छा करता है तथा इस लोक और परलोक की कामना करता है। तुम आशा की उपासना करो। आशा ही स्मरण से बढ़कर है। आशा अप्राप्य वस्तु की इच्छा का नाम आशा है, जिसका तृष्णा और काम इन पर्याप्त शब्दों से भी निरूपण किया जाता है। वह स्मरण स्मर की अपेक्षा बढ़कर है। सो किस प्रकार अतः स्मर करण में स्थित हुए आशा से ही मनुष्य स्मरणीय विषयों का स्मरण करता है। आशा के विषय के रूप का स्मरण करने से यह स्मृति को प्राप्त होता है। अतः आशा से दीप्त, आशा से वृद्धि को प्राप्त हुआ स्मृतिभूत वह स्मरण करता हुआ रूपवादी मंत्रों का अध्ययन करता है तथा उस का अध्ययन कर और ब्राह्मणों के मुख से उसका अर्थ एवं विधि श्रवण कर उसके फल की आशा से ही कर्म करता है तथा कर्म के फलभूत पुत्र और पशुओं की इच्छा कामना करता है। अतः एवं आशा से ही उसके साधनों का अनुष्ठान करता है। आशा से समिध्य हुआ ही वह लोक संग्रह रूप हेतुओं से इस लोक का स्मरण करता हुआ इसकी इच्छा करता है तथा आशा से समिद्र हुआ ही वह परलोक की उसके साधनों का अनुष्ठान करते हुए इच्छा करता है। इस प्रकार आशारूप रस्सी से बंधा हुआ वह स्मरण स्मर एवं आकाश से लेकर नाम पर्यंत जगत प्रत्येक प्राणी में चक्र की भांति घूम रहा है। इसलिए आशा स्मर की अपेक्षा भी उत्कृष्ट है। अतः तुम आशा की उपासना करो।
वह जो कि आशा की ये ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है, उसके सब कामनाएं आशा से समृद्ध होती है, उसकी प्रार्थनाएं सफल होती है। जब तक जहाँ तक आशा की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है, जो कि आशा की ये ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है। नारद ने कहा भगवान की आशा से बढ़कर भी कुछ है। सनत कुमार जी ने कहा आशा से बढ़कर भी है ही नारद, भगवान मुझे उस वह बतलाइए। जो पुरुष आशा की ये ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है उसका फल श्रवण करो, सर्वदा उपासना की हुई आशा से उसके उपासक की सब कामनाएं समृद्ध यथार्थ उन्नति को प्राप्त हो जाती है और उसकी सब आशा प्रार्थनाएं सफल होती है। तात्पर्य है कि जो कुछ इसका उसका पार्थित होता है वह अवश्य सिद्ध होता है, यावदाशाय गतम इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्ववत है। इति छंदोपनिषद सप्तमाध्याये चतुर्दश खंडवाच्यम संपूर्णम्।